साड़ी लगभग बनाने में कितना टाइम लगता है? अब छोटा पीस रहता है तो एक सप्ताह लगता है कुशन वगैरह, और साड़ी रहता है तो एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना। बहुत बदलाव आ गया, अपना पैसा होता है। अब पति के से मांगने जाओ उसे अच्छा है जो अपना काम किए, अपना बच्चा लोग पर खर्च किए या अपने ऊपर खर्च किए। जब का जमाना रहा होगा तब का रहा होगा। हम लोग को घर से सपोर्ट मिला तभी तो हम लोग इतना दूर गोवा आए हैं। सास भी बोली है जाने के लिए, पति भी सपोर्ट किए हैं कि हाँ हम लोग तो खुद अपना नहीं गए हुए, लेकिन तुम लोग को जब समय मिला है तो तुम लोग जाओ। वो तो अपने ऊपर निर्भर होता है जितना समय दे, लेकिन फिर भी हम लोग है कम से कम दिन भर में 6 घंटा इस पे लगातार काम करते हैं। मतलब मम्मी के इस बिजनेस में आगे बढ़ना है? हाँ बढ़ना है मुझे, क्योंकि एक ये अपना कल्चर से जुड़ा एक कला हुआ जो अपने कल्चर को भी आगे बढ़ाएगा, बिहार की संस्कृति को भी आगे बढ़ाएगा। हाँ मुझे कल्चर बढ़ाना है। वो देखिए मैंने बनाया है, और ये जो फ्रेम्स बनाया है वो आपने बनाया है। अब मैं डिजाइन भी उगाती हूँ, अभी जो डिजाइन गन छपाया सो हमें मैं ही डिजाइन की करी हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाएं अक्सर कुछ ना कुछ करती आपको नजर आएंगी, क्योंकि 21वीं सदी है और हर महिला अब खुद को एक आत्मनिर्भर बनके एक इंडिपेंडेंट वुमन की तरह पैसे अर्न करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के बुचहा प्रखंड के सरफुद्दीनपुर में, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि सुजनी जीविका के अंतर्गत यहाँ पर महिलाएँ किस तरह से वर्षों से अपने हाथों से सुजनी की ये कला कपड़ों पे उतारती है। साथ ही साथ फ्रेम्स में भी आप देखेंगे कि ये सुजनी की कला का जो काम किया हुआ है वो फ्रेम्स में भी यहाँ सजा आपको दिखेगा। यहाँ पे महिलाएं जो कार्य कर रही हैं वो भी आपको दिखाएं, किस तरह से साड़ी के कपड़े हो, पिलो कवर्स हो, स्वेटर्स हो या कुर्ते हो, सभी पर ये सुजनी का कार्य अपने हाथों से कितने दिनों की मेहनत से ये बुनती हैं और फिर बाज़ारों में इसे बेचती है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये काम कब से शुरू है आपके, आप कब से कर रही हैं? मैं 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, शुरुआत कैसे हुई? बस हम आंटी लोग के देखे बनाते हुए तो हम भी बनाए। अच्छा, तो मैम ये कितने सालों से ये कार्य शुरू चल रहा है? ये 2007 से चल रहा है। तो किस तरह से पता चला कि हाँ ये कार्य एक सुजनी की जो कला है हाथ में, जो एक मतलब बहुत बारीक काम माना जाता है जो हाथों से इतने दिनों की मेहनत पे बनता है, तो कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में जानकारी कैसे? पहले तो मेरा नाम गुड़िया देवी है, मैं बुचहा ब्लॉक सपुतनपुर गांव पड़ता है, मैं वहाँ से हूँ। पहले जैसे 2010 से शुरू कर रहे हैं, 2007 से ही काम शुरू हुआ था और दीदी लोग बना रही थी, तो हम ससुराल से यहाँ आए ना तो सबको दीदी लोग के देखते बनाते हुए, तो दीदी लोग पूछी कि आप भी कीजिएगा, हम कहे हाँ हम भी करेंगे, तो इसी से हम काम करने लगे। तो ये जो जो एक साड़ी या एक कपड़े पे किस तरह से कार्य होता है, शुरुआत कैसे होता है एक कपड़े को डिसाइड करने के? पहले तो हम लोग छोटा छोटा, पहले हम लोग को ट्रेनिंग मिला था, ट्रेनिंग में हम लोग काम किया छोटा छोटा चीज़ पर, उस पर बनाए थे। उसके बाद साड़ी हुआ, कुशन हुआ, बेडशीट हुआ, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। नहीं मतलब जैसे कि प्रक्रिया कैसे शुरू, एक कपड़ा सेलेक्ट हुआ उसके बाद फिर क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरता है एक पर्टिकुलर फाइनल वर्क निकलने के लिए? पहले तो हम लोग का ट्रेसिंग पेपर लगता है, मट्टी तेल लगता है, वाइट लगता है, कपड़े लगता है, कपड़े पर हम लोग छापते हैं, डिजाइन बनाते हैं, और धागा लगता है, सुई लगता है, फ्रेम लगता है, वो दीदी लोग लगा रही हुई है उससे बनाते हैं। नहीं मतलब शुरुआत में जब कपड़ा डिसाइड होता हो तो उस पर पहले गाद मतलब धागा से बुनती हैं या छेद करती हैं, मतलब कैसे कैसे प्रोसेस क्या है? हाँ जैसे कि कपड़ा मतलब हम लोग जीविका के माध्यम से काम किए ना, तो जीविका वाले कपड़े दिए और डिजाइन वो दिए कि मतलब ये डिजाइन बना लेना है, तो वो हम लोग खाखा है वही हाँ पेपर, तो वो पेपर पर उतार लेते हैं, उसके बाद पिनअप करते हैं, पिनअप करने के बाद कपड़ा पर रख के मट्टी तेल नील से छाप देते हैं, उसके बाद वर्क होता है सुई फ्रेम लगा कर। तो एक साड़ी लगभग बनाने में कितना टाइम लगता है? अब छोटा पीस रहता है तो एक सप्ताह लगता है कुशन वगैरह, और साड़ी रहता है तो एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, जैसा वर्क रहता है वैसा हिसाब से समय लगता है। और क्या क्या चीज़ मतलब साड़ी कुशन के अलावा और क्या क्या चीज़? जैकेट बनता है, कुशन कवर, बेड शीट, पिलो कवर, बहुत दुपट्टा बनता है, स्टोल साल सब चल पर बनता है। अच्छा, तो ये जब जब आप लोग कंप्लीट कर लेती है काम तो इसको बेचती कैसे हैं? मेला में जाकर
तो मतलब मेला पर भी हम लोग काम करते हैं। ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर लेती हैं या फिर किस तरह से? नहीं, ऑनलाइन अभी नहीं है, सामने से आके कोई देते हैं तो जीविका वाले हैं, या हम लोग जियो से संपर्क किए हुए हैं दिल्ली। अच्छा, तब वहाँ से हम। तो आप कब से जुड़ी हैं इस काम? हम लोग 2010 से जुड़े हैं। हाँ, संगठन हुआ है उस समय से। ऐसे तो घर में लोग बैठ के खेंदरा उंदरा जो होता है लोग रुमाल रुमाल पर बनाते थे, लेकिन हम लोग ये पूरा काम 2010 से कर रहे हैं। तो ये जब काम शुरुआत हुआ, एक कहते आत्मनिर्भर बनी, खुद का पैसा कमाना शुरू कर, तो कैसे मतलब बदलाव आया जीवन में? बहुत बदलाव आ गया। अपना पैसा होता है, अब पति के से मांगने जाओ उसे अच्छा है जो अपना काम किए, अपना बच्चा लोग पर खर्च किए या अपने ऊपर खर्च किए। पहले हम लोग बैंक भी नहीं जाते थे, अब जीविका में जुड़े, समूह में जुड़े थे, बैंक बैंक भी जाने लगे, दिल्ली कलकत्ता सब मुंबई। वो दीदी मुंबई गई हुई है फ्लाइट से, हम लोग गोवा गए। एक अच्छा लगता हो कि आत्मनिर्भर बने, अब खुद के पैरों पे खड़े, खुद पैसा कमाए। बहुत खुशी महसूस होता है, अपना पैसा हो गया हाथ में, बहुत अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि सब दिन काम मिलते रहे, सब दिन काम करते रहे, ऐसा ही आप लोग सपोर्ट करिए। एक बार की बात है कि हम दो महिला गोवा गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग का बैनर लगा हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार से, तो वहाँ की महिला लोग बोल रही थी, अरे आप लोग बिहार से हैं? नहीं, नहीं हो सकता, आप लोग बिहार से तो नहीं लगते हैं। फिर हम लोग बोले कि हम लोग का पहनावा देख लीजिए, हम लोग तो बिहार से, हम लोग साड़ी पहने हुए हैं। तो बोली हाँ, लग तो रहा है आवाज़ से कि आप लोग बिहार से, लेकिन हम लोग को एक ज़माना में पता था कि इसे मतलब बिहार के महिला लोग को कैद करके रखा जाता था, बाहर निकलने नहीं देता था। आप लोग बिहार से गोवा आ गए, बहुत खुशी की बात है कि गोवा है आप लोग, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग को खूब मान सम्मान दिया था वहाँ पे। तो ये सुन के तो अच्छा लगा होगा कि जो एक स्टूडियो टाइप बना हुआ है कि बिहार में महिलाओं को कैद करके रखा जाता है, बंधन में रखा जाता है, ये बाहर के लोगों को पता चल रहा है कि बिहार में भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन के अपना कार्य कर रही हैं। हाँ, तो हम लोग बोले कि हाँ, हम लोग मतलब कि कैद वाला बात नहीं है, जब का जमाना रहा होगा तब का रहा होगा। हम लोग को घर से सपोर्ट मिला तभी तो हम लोग इतना दूर गोवा आए हैं। सास भी बोली है जाने के लिए, पति भी सपोर्ट किए हैं कि हाँ, हम लोग तो खुद अपना नहीं गए हुए, लेकिन तुम लोग को जब समय मिला है तो तुम लोग जाओ, घूम के आ जाओ, गोवा जाओ। तो बच्चों का भी सपोर्ट पूरा मिलता होगा कि हाँ, माँ मेरी आगे बढ़ रही है। भी खुश हो जाता है बच्चा लोग की माँ, कभी कभी अपना सहेली लोग से बात करती है कि मेरी माँ भी गोवा गई हुई है। अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है, वो लोग भी खुश हो जाती है। और भी यहाँ काम कर रही है, तो कैसे ये धागा पे पिरोती है, ये जो मतलब एक एक धागा जो पिरोती है, तो कितना समय लगता है? वो तो अपने ऊपर निर्भर होता है जितना समय दे, लेकिन फिर भी हम लोग कम से कम दिन भर में 6 घंटा इस पर लगातार काम करते हैं। हाँ, घर का काम धंधा करके इसके बाद बैठ के टाइम निकालते हैं तो ये बनाते हैं। ये अभी मैं साड़ी बना रही हूँ। अच्छा, और साड़ी के अलावा जो विभिन्न ऑर्डर जैसे कि जैकेट वगैरह, रुमाल वगैरह बनता है, तो एक छोटे से रुमाल पे ही, रुमाल का तो छोटा सा साइज़ होता है, तो उस पर कितना समय लगता है? वो डिजाइन के ऊपर है निर्भर, अगर आप छोटा डिजाइन बनवाए तो एक दिन में ही बन जाएगा। अच्छा। हाँ, जैसा डिजाइन दीजिए उसके ऊपर निर्भर होता है। अच्छा, तो आपने कब ये काम शुरू किया? हम 2012 से जुड़े हुए हैं। 2012 से जुड़ी हुई, तो पहले भी कोई काम करती थी या फिर ये पहला कोई काम शुरू किया था? नहीं, सिलाई वगैरह का तो काम करते ही थे, प्लस घर में कढ़ाई बुनाई थोड़ा बहुत आता था। जब ये काम शुरू हुआ था घर में, ये छोटा छोटा कुशन लेके पहले बनाते थे कि घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। हाँ, फिर देखी कि काम ठीक हो रहा है, कहीं जाना नहीं, तब राजी हुआ, घर के गार्जियन आने जाने दिए, काम शुरू। तो पहले घर से निकलने में बंदिशें होती थी, जब आपका ये काम बढ़ा, आपको लगा कि हाँ, एक इनकम का स्रोत हो रहा है, एक आत्मनिर्भर बन रही है, तो कैसा बदलाव आया जीवन में? बहुत अच्छा बदलाव आया, सब साथ देने लगे। घर में भी रिस्पेक्ट बढ़ जाता है क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, तो खुद का पैसा कमाए पे लगता है कि भाई इंडिपेंडेंट है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि किसी से पूछ के खरीदे या ना खरीदे, अब अपना मन ही है तो जिस टाइम जो चाहे ले सकते हैं। इस कार्य से रिलेटेड कितने लोगों से मुलाकात हुई है अभी तक? हम बॉम्बे गए थे, सामान आजमी से मिले, जया बच्चन से मिले, बहुत सारा हीरोइन से मिले हम लोग। सामान आजमी हमसे पूछी कि अरे बिहार से तुम इतना दूर बॉम्बे कैसे आ गई? से वहाँ तक गांव में घूंघट में रहना पड़ता है, नहीं पति आने देता है, और तुम कैसे आ गई? तो हम लोग बोले कि अब आने तो क्यों नहीं देते हैं, हम लोग का विश्वास उनका हम लोग का बन गया चुका है, और बिहार से हम लोग के तो जैसे आप लोग करते हो वैसे हम लोग भी करते हैं। तब बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा, चलो बिहार में तो बदलाव आया ना,
तो पहचान मिला। कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हुए तो फ्लाइट में अकेले बम्बे से मैं बिहार आ गई पटना तक ला, वो तो खुशी मिला। बहुत सारा आदमी से हम मिल चुके। मतलब मम्मी के इस बिजनेस में आगे बढ़ना है? हाँ बढ़ना है मुझे, क्योंकि एक ये अपना कल्चर से जुड़ा एक कला हुआ जो अपने कल्चर को भी आगे बढ़ाएगा, बिहार की संस्कृति को भी आगे बढ़ाएगा। हाँ मुझे कल्चर बढ़ाना है। वो देखिए मैंने बनाया, और ये जो फ्रेम्स बनाए हैं वो आपने बनाया है? अब मैं डिजाइन भी उगाती हूँ, अभी जो डिजाइन गन छपाया सो हम ही मैं ही डिजाइन की करी हूँ। एक अभी बेंगलोर भेजे वो वाला डिजाइन अभी अच्छा। बना के ऑनलाइन से तो ऑनलाइन तो अब तो बहुत सारे डिजाइन भी अवेलेबल, तो उनसे भी कुछ नई डिजाइन सीखने को मिलता। हाँ मिलता है, तो उसी से और डिजाइन बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑर्डर भी आता है। तो इंस्टाग्राम पेज भी है इसका? हाँ पेज बता दो आप कौन सा। सुजनी एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट आर्ट। अच्छा, तो उस पे अब आगे मतलब इस कल्चर को, अपने बिहार के कल्चर को आगे बिजनेस के तौर पे बढ़ाना है? हाँ बढ़ाना है हमको। तो देख सकते हैं किस तरह से अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ महिलाएं और बच्चियाँ अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं, जिससे बिहार का भी कल्चर आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ वो खुद को भी इंडिपेंडेंट कर रही है। पहले जो बिहार को लेकर एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था लोगों के बीच की, बिहार की महिलाओं को घूंघट पर्दा करना पड़ता है, साथ ही साथ उन्हें बाहर निकलने का परमिशन नहीं होता है उनके घर वालों के, तो जब ये महिलाएं अपने कला को बाहर प्रेजेंट करने गोवा मुंबई जैसे जगहों पे गई, तो उन्होंने जब एक्ट्रेसेस या फिर जो भी आर्टिस्ट है उनसे मिले तो उनका कहना था कि बिहार में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, उन्हें पता नहीं था। तो इस तरह से एक स्टीरियोटाइप जो बिहार को लेकर बना हुआ है बाहर में, वो भी ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ की महिलाएँ यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाते हुए खुद को आत्मनिर्भर कर रही है। तो दिखाया इस खबर में किस तरह से यहाँ बिहार के मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गाँव में महिलाएँ एकजुट होकर इतनी कल्चर की चीज को एक आत्मनिर्भर के रूप में करते हुए खुद को इंडिपेंडेंट बना रही है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।